हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। जब भी हम किसी शहर में घूमने या फिर वहाँ रहने का प्लान बनाते हैं तो हमारी सबसे पहली डिमांड होती है कि शहर सुरक्षित हो यार, नहीं तो क्या मतलब ऐसे शहर का। क्योंकि आजकल देश और दुनिया में क्राइम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिस वजह से महिलाओं और बच्चों को लेकर अक्सर लोगों को चिंता सताती है। वही बात अगर भारत की हो तो यहाँ कई शहरों में क्राइम भैया इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ महिलाएं तो क्या पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। वेल, अगर आप भी इसी चिंता में लीन है तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको भारत के 5 सबसे सुरक्षित शहरों के बारे में बताने वाले। तो चलिए एक साथ चलते हैं भारत के इन सबसे सुरक्षित शहरों के एक सुहाने सफर पर। लेना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला, हाँ वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। पुणे। दोस्तों, भारत में जब भी सुरक्षित शहरों की बात होती है तो उस लिस्ट में महाराष्ट्र के छोटे से शहर पुणे का जिक्र जरूर किया जाता है, क्योंकि जितनी यहाँ की हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, चट्टानें, कल्चर और गणेश पूजा फेमस है ना, उतना ही शहर की सुरक्षा को लेकर लोग संतुष्ट नजर आते हैं। पुणे शहर में आपको क्राइम ना के बराबर ही देखने को मिलेगा, और ये हम नहीं बल्कि रिपोर्ट्स कहती हैं। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भारत के शहर में एक सर्वे किया गया। उसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर पुणे शहर को भारत का सबसे सुरक्षित 5वां शहर माना गया, वो भी 219.3 आईपीसी रेट के साथ। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता। पुणे शहर की बात करें तो दोस्तों, रहने के मामले में ये सबसे सुरक्षित शहर है, और इस शहर में आपको चोरी चकारी, लूट खसूट और मारधाड़ जैसी घटनाएं बेहद ही कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि शहर की ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी है। यहाँ 100 में से लगभग 86 लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें अच्छे से पता है कि फ्यूचर बनाना है तो झगड़े से नहीं बनने वाला है। यही कारण है कि धर्म भाषा में विविधता होने के बाद भी यहाँ जात पात धर्म के आधार पर बहुत कम झगड़े होते हैं। भारत के दूसरे शहरों से तेजी से युवा पुणे की ओर आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ पढ़ाई करने के लिए पहुँच रहे हैं, खासकर आईटी सेक्टर में। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में पुणे मुंबई महाराष्ट्र का आईटी हब बन के उभरा है। शहर में महिलाएं और बच्चे इतने सुरक्षित हैं कि देर शाम को भी सड़कों पर अकेले चल सकते हैं, लोकल ट्रेन में सफर कर सकते हैं और घर सही सलामत पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पुणे के लोग भी काफी मददगार होते हैं। सुरक्षा का दूसरा पैरामीटर है नाइट लाइफ, और इसी मामले में पुणे एशिया में सबसे ज्यादा पब्स का मालिक है, सोचो। सूरत। दोस्तों, डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत तो लाखों में एक शहर है, जहाँ का कल्चर, पहनावा और रहन सहन जितना कमाल है ना, उतना ही कमाल है वातावरण। उसके ऊपर से सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और सुरक्षित माहौल बनाते एजुकेटेड लोग। इसलिए बॉस, भारत में रहने घूमने के लिहाज से सबसे सुरक्षित शहरों में सूरत सबसे अव्वल है। 83 लाख से ज्यादा आबादी वाला ये शहर सबसे शांतिपूर्ण शहर भी माना जाता है, जहाँ के लोग बड़े ही दिलदार होते हैं। शहर का क्राइम रेट 39.11 से भी कम माना जाता है। यहाँ आपको लूटपाट, चोरी की घटनाएं बेहद ही कम देखने को मिलेंगी, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सूरत की अलर्ट पुलिस को, जो छोटे से छोटे क्राइम को भी बड़ी सतर्कता से लेती है, जिसे एनसीआरबी की रिपोर्ट में 215.3 की आईपीसी रेटिंग दी गई है। इसका शांतिप्रिय वातावरण, सुरक्षित माहौल ही है जो सूरत को भारत में सबसे मजबूत इकोनॉमी वाले शहरों की सूची में लिस्टेड करवाता है। दोस्तों, सूरत में हर साल लाखों की संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की साफ सफाई देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ एजुकेशन सेंटर्स की भी कमी नहीं है, जहाँ बच्चे न सिर्फ किताबी शिक्षा ग्रहण करते हैं बल्कि सामाजिक शिक्षा भी लेते हैं और समाज में एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश में जुट जाते हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो आज सूरत की महिलाएं घरेलू कामकाज से लेकर बिजनेस संभालने और जॉब्स करने के मामले में पुरुषों से कम नहीं है। शहर की महिलाओं को न सिर्फ हर सेक्टर में आगे बढ़ने की आजादी है, बल्कि सुरक्षित माहौल में सांस लेने का भी हक है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइंस भी बनाई गई हैं, ताकि बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले ही सुलझा दिया जाए। आज सूरत इस कदर फेमस है और सेफ सिटी माना जाता है कि पूरे गुजरात से यहाँ पर आकर लोग बस रहे हैं, और पूरी दुनिया से सोलो ट्रैवलर्स, जिनमें महिलाएं भी शुमार होती हैं, वो सूरत की यात्रा करती हैं। सूरत की इस कामयाबी का दूसरा श्रेय आप यहाँ की जनता को भी दे सकते हैं, जो शिक्षित है और समझदार भी है यार। साथ ही हर वर्स्ट सिचुएशन को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल कैसे करना है ये बखूबी से जानते हैं। सूरत आज तेजी से विकसित होते शहरों में से एक है, जहाँ हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है। अब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ना कि आने वाले समय में सूरत की सूरत कितनी बदलने वाली है। विकसित होने वाला है, जहाँ ना सिर्फ रहना सेफ और इजी है बल्कि जॉब करना भी काफी फायदेमंद है। कोयम्बटूर। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नंबर हासिल किया है साउथ का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कोयम्बटूर शहर ने। जी हाँ दोस्तों, ये वही शहर है जहाँ खान पान हर किसी का दिल जीत लेता है। वही शहर जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चलते दक्षिण की टेक्सटाइल कैपिटल कहा जाता है। इस शहर की खुशहाली आपको जितना अट्रैक्ट करेगी उतना ही सुकून देगा यहाँ का शांति प्रिय और सुरक्षित माहौल, जो आपको यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद ही समझ में आएगा। शहर की सुरक्षा को आप इस तरह ही देख सकते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में इसे 211.2 आईपीसी रेट के साथ तीसरे नंबर पर रखा गया। लगभग 30,84,000 की आबादी वाले इस शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित अन्य कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको यहाँ जात पात या धर्म के आधार पर कोई भी आपस में झगड़ते हुए नजर नहीं आएगा। वजह साफ है, और वो है एजुकेशन, क्योंकि इस शहर का लिटरेसी रेट भी बढ़ते हुए 88.87% तक पहुँच गया। इसके अलावा कोयम्बटूर का कपड़े का बाजार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। साथ ही यहाँ सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह जैसे कई सारे सेक्टर बहुत ही अच्छे से फल फूल रहे हैं, जहाँ लोगों को इजिली जॉब्स मिल जाती है, वो भी अच्छी
खासी सैलरी में, तो क्यों ही क्राइम करना। तो आप ही सोचिए, जब एजुकेशन है, अच्छी जॉब है, अच्छा परिवार है, तो लोगों को झगड़ा करने की भला जरूरत ही क्या है। इसके अलावा कोयम्बटूर का कल्चर नारी का सम्मान करना सिखाता है। भाभी माँ समान होती है और हर पराई महिला बहन भाभी माँ आंटी और देवी का रूप मानी जाती है, जिस वजह से यहाँ महिलाओं के साथ गलत करने की सोच मुश्किल से 1-2% लोगों की ही होती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट भी सिर्फ 7.9% ही है। यही कारण है कि कोयम्बटूर में महिलाएं सबसे सेफ है। वहीं टूरिस्ट की मदद के लिए शहर के लोग हमेशा तैयार रहते हैं, जिस वजह से सैलानियों को भी खास दिक्कत नहीं होती है। इन्हीं सब मिले जुले कारणों के चलते कोयम्बटूर आज एक सुरक्षित शहर है, जहाँ पंचायत से लेकर पुलिस और अफसर से लेकर आम लोग भी काफी सतर्क और समझदार और एक्टिव है। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति के बीच सेफ शहर की तलाश में है, तो कोयम्बटूर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इसलिए एक बार सोचिएगा जरूर। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चेन्नई। दोस्तों, जब भी बात सुरक्षा की आती है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को भला भूला ही नहीं जा सकता है, जो दक्षिण भारत की गुलजार सामाजिक राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त कर चुकी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे धर्मों के लोगों से भरे इस शहर में आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, लगभग हर तीर्थ स्थल देखने को मिलेगा। लेकिन नजर नहीं आएगा तो सिर्फ एक चीज, और वो है विवाद। यहाँ के लोग काफी सहनशील होते हैं, जो किसी भी छोटी सी बात पर बहसबाजी पसंद करते ही नहीं है। और आज इन्हीं लोगों की बदौलत चेन्नई भारत में सबसे सुरक्षा के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है, जिसे NCRB की रिपोर्ट में 178.5 IPC रेट दिया गया है। बदलता इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती टेक्नोलॉजी से लैस इस शहर में आज बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और सेफली पूरे शहर की यात्रा करते हैं। अगर आप यहाँ रहने का प्लान बना रहे हैं तो शहर में न सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी है, बल्कि सेफ एनवायरमेंट भी है। इसके अलावा चेन्नई में आपको प्रॉपर्टी भी काफी सही दाम में मिल जाती है। ऊपर से यहाँ का गजब का खान पान भी कमाल का है। चेन्नई आज भारत में सबसे उम्दा शिक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का केंद्र माना जाता है, जहाँ सर्विस, IT जैसे सेक्टर तेजी से विकास कर रहे हैं। रहने के लिहाज से भी इस शहर को सबसे बेहतरीन माना जाता है, जहाँ 1,22,90,000 से ज्यादा की आबादी निवास करती है और जहाँ का लिटरेसी रेट है 90.23%, यानी लगभग 90.5%, जबकि क्राइम रेट 39.29 से भी कम है। यही कारण है कि चेन्नई को महिलाओं के लिए भी एक सुरक्षित शहर माना जाता है, जहाँ महिलाएं न सिर्फ दिन में अकेली घूम सकती हैं, बल्कि किसी भी सेक्टर में काम भी कर सकती हैं और देर रात सुरक्षित सड़कों पर चल भी सकती हैं और नाइट शिफ्ट में भी उतनी ही सेफ्टी के साथ काम कर सकती हैं। चेन्नई में किसी भी माँ को ये चिंता नहीं सताती है कि उसका बच्चा स्कूल से सुरक्षित घर आएगा कि नहीं, क्योंकि उनका बच्चा रियल में सुरक्षित होता है। इसके अलावा चेन्नई पुलिस को भी काफी अलर्ट और एक्टिव माना जाता है। वहीं प्रशासन भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर पल तैनात रहता है। कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता ही वो शहर है जिसे भारत में रहने, घूमने के लिहाज से सबसे सुरक्षित माना जाता है। NCRB की IPC रेट में कोलकाता को 78.2 रेटिंग्स के साथ भारत का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। फिर चाहे बात पुरुषों की हो, महिलाओं की हो या बच्चों की, ये शहर सभी के लिए एक जैसा है, यानी कि सेफ, सेफ एंड सेफ। 2022 में कोलकाता में क्राइम के महज 86.5 मामले ही दर्ज किए गए थे, जबकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल भी 103.4% क्राइम से जुड़े केसेस में कमी दर्ज की गई है। और यही कमी साल दर साल दर्ज की जा रही है, क्योंकि साल 2021 से 2022 के दरमियान कोलकाता में 129.5 क्राइम्स में कमी देखने को मिली। यानी आने वाले सालों में कोलकाता और भी ज्यादा सेफ सिटी बन जाएगा, सोचो। इसके अलावा महिलाओं के लिए तो कोलकाता को गोल्डन सिटी माना जाता है, क्योंकि यहां महिलाओं के खिलाफ सबसे कम केस दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट है 27.1 प्रति लाख जनसंख्या का रिकॉर्ड किया गया है, जिसे थोड़ा सा और सुधारने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के मामले में कोलकाता चेन्नई और कोयम्बटूर शहर से अभी थोड़ा पीछे है। हालांकि ओवरऑल में बाकी सभी शहरों में कोलकाता काफी आगे है। साल 2022 में कोलकाता में 34 हत्या के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2021 के मुकाबले ये आंकड़ा 45 नंबर से गिर गया है। यही कारण है कि कोलकाता को भारत का सबसे सुरक्षित शहर माना जा रहा है। फिलहाल की बात करें तो प्रति लाख लोगों पर यहां 103 के लगभग क्राइम रेट है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 16% कम है। यानी आप समझ सकते हैं कि कोलकाता रहने, घूमने, लगभग हर मामले में बेस्ट शहर माना जा रहा है, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी समय समय पर उठाए गए कदमों के चलते शहर की सुरक्षा व्यवस्था आज देश भर में तारीफ के मुकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। पिछले साल के आंकड़ों को अगर देखें तो अगर सेम आंकड़े साल दर साल चलते रहे तो महज 1-2 सालों में ही कोलकाता पूरी तरह से क्राइम फ्री सिटी बन जाएगा, जहां महिलाएं, बच्चे, हर कोई आजाद, सेफ और सिक्योर होंगे। वैसे आपको बता दें कि आज कोलकाता पर्यटकों को भी पहली पसंद बनता जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। बाकी अगर आप इस शहर में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों, टूरिज्म से लेकर बैंकिंग, सर्विस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स में जॉब की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो यहां आपको जॉब की टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी। बाकी सेफ्टी के पैरामीटर्स पर तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कैसा है। उम्मीद है दोस्तों कि इन पांचों शहरों में से कोई एक तो आपको पसंद आ ही गया होगा। तो अब अपनी चॉइस के हिसाब से शहर चुनिए, और सेटल होना हो या फिर घूमना हो, बस निकल जाइए, क्या ही टेंशन है। क्राइम तो है ही नहीं, मतलब बहुत कम है। वैसे अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और खास से भी ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा।